भगवान से हमारा कनेक्शन है या कॉन्टैक्ट है? क्या है? भगवान के हम संपर्क में हैं या भगवान के जुड़ाव में? बोले संपर्क में तो रोज होते हैं, मंदिर गए, दर्शन किए, चावल चढ़ाया, भगवान से हमारे कांटेक्ट तो बने रहते हैं, लेकिन भगवान से हमारा कनेक्शन नहीं बनता है। कनेक्शन बनाओ। ऐसा कौन है जो भगवान के कांटेक्ट में नहीं है? जब भी दुख पड़ता है, भगवान रक्षा करो, भगवान दया करो, गुरु महाराज दया करो, नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोए सब विषाण, भगवान दिखता, कांटेक्ट में हो लेकिन कनेक्शन नहीं है। अभी ध्यान रखना, कनेक्शन बनना चाहिए। हम अपने जीवन में ईश्वर का नाम भी ले लेते हैं, माला भी फेर लेते हैं, भगवान को अर्घ भी चढ़ा लेते हैं, ये कांटेक्ट ध्यान। अभी अपन क्या कर रहे हैं? एक संपर्क बना रहे हैं भगवान से, लेकिन भगवान से अभी हमारा जुड़ाव पैदा नहीं हुआ है। जुड़ाव पैदा होना चाहिए। चंदनवाला का महावीर से जुड़ाव था, संपर्क नहीं था। अंजना का भगवान से जुड़ाव था, सीता का भगवान से जुड़ाव था, द्रौपदी का भगवान से जुड़ाव था, सेठ सुदर्शन का भगवान से जुड़ाव था, और तो और नाग नागिन का भी भगवान से जुड़ाव था, तो वह धर्णेन्द्र पद्मावती बनकर के उनसे हमेशा के लिए जुड़ जा। जुड़ाव पैदा करो ईश्वर से, भगवान से, धर्म से, अच्छे कामों से जुड़ने का प्रयास करो। अच्छी बातें हमें मालूम तो है, लेकिन उससे हम जुड़े हुए नहीं है। ध्यान सोचना, जुड़ो। कैसे जुड़े महाराज, कैसे जुड़े? कैसे जुड़ेंगे? किसी से जुड़ना है तो क्या करोगे? बोलो। फोन बोला, मोबाइल में लगे रहो, जुड़ जाएंगे। मोबाइल में बात करते रहो, मैसेज करते रहो, फेसबुक में लगे रहो, इंस्टाग्राम में लगे रहो, हो जाएगा जुड़ाव। दिन भर ग्रुप में लगे रहो, व्हाट्सएप करते रहो, आराम से अपना जुड़ाव हो जाएगा। ध्यान रखना, एक साधु हुए बहुत बड़े, वो अमेरिका में गए प्रवचन देने। बहुत अच्छे विद्वान साधु थे, संत। प्रवचन देने के बाद उनके पास कुछ पत्रकार आ गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, एक प्रश्न पूछना है। उन्होंने कहा, पूछो, क्या पूछना है? बोले, आपने अभी कांटेक्ट और कनेक्शन पर प्रवचन दिया, कंफ्यूजन पैदा हो गया। अरे, कंफ्यूजन पैदा हो गया? बोले हाँ। बोले, आप स्पष्ट करिए कि संपर्क क्या होता है और संबंध क्या होता है, संपर्क क्या होता है और जुड़ाव क्या होता है, संपर्क क्या होता है और रिलेशन क्या होते हैं। संत ने कहा, मैं अपना उत्तर दूं, उससे पहले भाई तू मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दे। बोले, पूछिए। बोले, ये बता कि तू न्यूयॉर्क में कब से है? बोले, बहुत दिन हो गए, मेरा जन्म ही यहां हुआ, मैं यहीं पैदा हुआ हूं। बोले, यहीं से होना? बोले, हां, यहीं से हूं। तो बोले, एक बात और बताओ महानुभाव, आपके घर में कौन कौन है? बोले, कौन कौन है? पत्रकार ने सोचा, यार ये महा बाबा मेरे प्रश्न का तो उत्तर दे नहीं रहे और अपने प्रश्न पे प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। संत ने प्रश्न बड़ा व्यक्तिगत पूछा, संत ने प्रश्न बड़ा पर्सनल प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, जरा ये बताओ तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले, मेरी मां है, उसकी मृत्यु हो गई है, पिता है, भाई है, बहन है। बोले, मेरे पिताजी भी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, लेकिन मेरी मां नहीं। तुम लास्ट टाइम अपने पिता से कब मिले थे? बोले, कब मिला था?
अभी मिला हूं, एक साल पहले पिता से मिले। बोले हां, बातचीत हुई। बोले एक बात और बताओ, तुम्हारे भाई बहन है? बोले सब है। बोले कभी उनके साथ बैठे हो एक साथ? बोले नहीं, एक साल पहले क्रिसमस पर हम लोग सब इकट्ठे हुए थे, मेरे पिता भी थे, मेरे भाई भी थे, बहन भी थी, सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। संत ने पूछा कि जरा ये तो बता दो कि जब सब तुम लोग इकट्ठे हुए थे, पिता के करीब कितनी देर बैठे थे, साथ में खाना खाया था, एक साथ बैठे थे, हंसे थे, बोले थे, मुस्कुराए थे, बातें की थी, एक दूसरे के हालचाल पूछे थे? पूछा है कभी कि बताइए मां की मृत्यु के बाद तुम्हारा जीवन कैसे बीत रहा है, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? तुम्हारे मन में कोई खालीपन तो मौजूद नहीं है? पत्रकार कुछ ना बोल सका, एक शब्द नहीं बोला। साधु ने इस पत्रकार का हाथ पकड़ा, बोले मुझे माफ करना यदि मैंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई हो, ये बोल करके तुम्हारे मन को अपमानित किया हो तो मुझे माफ कर देना। उसने कहा संत जी, हम मिले तो हैं लेकिन हंसे बोले नहीं, आपस में एक दूसरे के दुख को बांटने का प्रयास नहीं किया है, आपस में एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं किया है, ना उन्होंने हमारा कोई हाल पूछा, ना हमने उनका कोई हाल पूछा। क्रिसमस का दिन था, सब लोग आकर के बैठे हुए थे, वो भी बैठे, खाया पिया और चले गए। उन्होंने अपने वक्त पर भोजन कर लिया, हमने अपने वक्त पर भोजन कर लिया, भाई बहनों ने अपने वक्त पर भोजन कर लिया और शाम को सब अपने अपने घर को विदा हो गए। ध्यान रख, संत ने कहा समझ में आ गया। तुमने पूछा था ना कि संपर्क और संबंध में क्या अंतर होता है। अफसोस है कि तुम लोग अपने परिवार के, अपने माता पिता के संपर्क में तो हो लेकिन उनसे तुम्हारा कोई जुड़ाव नहीं है, उनसे कोई लगाव नहीं है तुम्हारा, उनके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं हमको एक दूसरे के, एक दूसरे की पीड़ा, एक दूसरे के दर्द, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का ईगो, एक दूसरे का अहंकार, इसको समझने का हमारे पास कोई वक्त नहीं है। ध्यान रखना, ये तो व्यवहार की बातें हैं, संसार की बातें हैं। पत्रकार ने अपनी आंखों के आंसू को पोंछा और कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ बता दिया कि दुनिया कांटेक्ट में तो रहती है लेकिन किसी के कनेक्शन में रहती नहीं है, आज मुझे समझ में आ गया। संत ने कहा एक बात ध्यान रखना, संसार का कनेक्शन तो फिर भी बन जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपनी जिंदगी में भगवान के कांटेक्ट में तो हमेशा रहते हैं लेकिन भगवान से हमारा कनेक्शन बनता, कभी आकर के भगवान से कुछ बातें की हैं, कुछ बोला है उनसे? हाँ यही बोला है ना, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, लड़का जवान हो गया, शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई तो रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका लड़का नहीं हो रहा है, क्या करें? बोले इसके अलावा क्या बातें की भगवान से और क्या बोला भगवान से? मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छी डिग्री मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा व्यापार जम जाए, बस ये बातें की हैं और कुछ नहीं की हैं। कभी बैठ करके भगवान से बातें की कि देख भगवान मेरा क्या हाल है और तेरा क्या हाल है, मेरा हाल बेहाल है और तू माला माल है, तेरे पास सब कुछ है, कुछ नहीं होते हुए भी तेरे पास सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब होते हुए भी ऐसा लगता है कि कोई कमी है हमारे मन में, होते हुए भी लगता है कि अभी जीवन की पूर्णता नहीं है, अभी अपूर्ण जीवन जी रहे हैं, सब कुछ गाड़ी है आपके घर में? नहीं है, बोलो, है ना लाड़ी,
वह भी है, गाड़ी भी है, लाड़ी भी है, नोट भी है, पैसा भी है, मकान भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, भाई भी है, बहन भी है, नौकर चाकर सब लगे हुए हैं, सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। लगता है कि नहीं?